हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया है। सबकी लाइफ बहुत ही टिप टॉप चल रही है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि रंगीन है। रंगीन ये नहीं कि कलर्स पर, या आपकी जिंदगी में कलर ऐसे होने चाहिए, वो चाहे आपके काम को लेके है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेके है, खुश होने चाहिए मतलब चीजें। अच्छा हाँ, इस चैनल पे ना बहुत तरह की रेमेडीज देखते हो, हमारे हेयर को लेके, हमारी स्किन को लेके, कभी जॉइंट पेन को लेके, पिगमेंटेशन को लेके, डार्क सर्कल को लेके। आज की जो रेमेडी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने थोड़ा सा टॉपिक को ना डाइवर्ट किया है, क्योंकि वो होता है ना, आप सीधे सीधे रास्ते पे चलते रहो, कभी कभी उसमें मोड़ आना बहुत जरूरी है, वैसे ही है। लेकिन ये मोड़ ऐसा है कि आज के टाइम में यंग जनरेशन बहुत ज्यादा परेशान है इस प्रॉब्लम से, और वो है ग्रोइंग रीजन, यानी कि हमारी लेग्स के अंदर के साइड पे, जो हमारे प्राइवेट एरिया होता है, उसके नियर पे इन्फेक्शन। वो फंगल इन्फेक्शन है या किस तरह की इन्फेक्शन है नहीं पता, बट वो इन्फेक्शन जो है हमें अलग अलग तरह से हार्म कर रही है। क्या होता है, सारे एरिया पे इचिंग बहुत भयंकर है, रेडनेस बहुत ज्यादा है, और कैसे ना कैसे करके मन करता है नोच दे, इतनी इचिंग होती है वहां पे। मतलब लिटरली ना, जब पेशेंट मेरे पास आते हैं ना क्लिनिक, वो कहते हैं मैम ऐसे मन करते हैं बस कैसे ना कैसे करके ना स्किन को, थाइस को नोच दे। तो आज मैं रेमेडी लेके आई हूँ उससे रिलेटेड, यानी कि हमारे प्राइवेट एरिया में, वेजाइनल रीजन में, या पेनिस के सराउंडिंग में बहुत तरह की इन्फेक्शन होती है, तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं होम रेमेडी से। सबसे पहले तो यार, जो भी आपके इनर वेयर हैं, मेक श्योर कि आप धोके ही डालें। जैसे आज कर लिया, कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं आलस कर जाते हैं, हैं ऐसे लोग यार, अगर आपको लगेगा या ऐसा भी कोई करता है, एग्जैक्टली ऐसे भी करते हैं लोग, ठीक है, तो वो यूज नहीं करना है। टॉवल मेक श्योर, आप कहीं बाहर जा रहे हैं आप किसी का टॉवल यूज ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता, मे बी किसी को हो और वो आपको स्प्रेड हो जाए। और होता क्या है कि फंगल अगर आपके पैर वैर से शुरू होती है ना, वो धीरे धीरे करके आपके ग्रोइंग रीजन तक पहुंच ही जाती है, तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है बिल्कुल। अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। छोटी छोटी तीन चार रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सबसे पहले कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी कि वो स्वेलिंग को कम करती है जिसको आपको अप्लाई करना है, इचिंग को रिलैक्स करती है, और स्लोली स्लोली उस एरिया को ठीक करना स्टार्ट करती है। अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज में हैं, आप विद द हेल्प ऑफ कोकोनट ऑयल ओनली आप उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी, यू कैन क्योर इट परमानेंटली विद द हेल्प ऑफ कोकोनट ऑयल। सेकेंड जो है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यार बहुत अमेजिंग वर्क करता है। आपको क्या करना है, एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, उसमें पानी मिलाना है और उसका बनाना है पेस्ट। आप सपोज आपके इस एरिया में है, जहां पे भी है वहां पे आपको उसको अप्लाई करना है, और 10 मिनट बाद वॉश कर लेना है, ठीक है। ये रेमेडी को आपको दिन में 3 से 4 बार परफॉर्म करना है। हल्का हल्का सा वहां पे इचिंग सी महसूस होगी, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हील करेगा, इचिंग को वो इम्प्रूव करेगा, और वहां पे आपको ना झुनझुनाहट सी होगी जब आप उस पर बेकिंग सोडा अप्लाई करोगे, तो घबराना नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है उसको हील करने के लिए। अच्छा एक चीज यार आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप नहाते हो ना, आप उस एरिया पे किसी भी तरह के सोप का यूज नहीं करो, ठीक है, या एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स। हम क्या करते हैं ना, टेम्परेरी रिलीफ के लिए हमने लूली कैनाजोल, कीटो कैनाजोल, ठीक है, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ एंटी फंगल कॉम्बिनेशन इन द मार्केट। हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, और हम फिर क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं लोकल एप्लीकेशंस, टॉपिकल एप्लीकेशंस, और उससे क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, बट सालों वो प्रॉब्लम होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल इनिशियल फेज में है ना, आप तभी मेडिसिन लेके उसको खत्म कर दो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है 6 महीने में ठीक नहीं हो रही, गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि आप एंटी फंगल ड्रग्स कितना टाइम लोगे, जब तक लोगे उतना टाइम रिलीफ मिलेगा, उसके बाद फिर से बॉडी वैसी हो जाएगी, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। थर्ड है टर्मरिक पेस्ट। टर्मरिक यार उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके इचिंग को, इन्फेक्शन को, किसी भी तरह की इन्फेक्शन है उसको बहुत जल्दी हील करती है। अगर मैं एंशियंटली बात करूं, यानी प्राचीन पद्धति की बात करूं, उस समय यार हल्दी का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता था कि आपके कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको परमानेंट क्योर के लिए, चोट लगी मम्मी ने हल्दी का पेस्ट लगा दिया, दादी ने हल्दी का पेस्ट लगा दिया, घाव बना हल्दी का पेस्ट लगा दिया, जॉइंट में पेन है हल्दी का पेस्ट लगा दिया, कहीं दर्द है, मतलब तरह तरह की हम चीजों में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। सेम आपको यहां करना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है, टर्मरिक लेनी है, उसमें उसका सिंपल पेस्ट बनाना है और उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करना है। बहुत अमेजिंग वर्क करेगा ये,
और इन्फेक्शन को बहुत जल्दी खत्म करने में हेल्प करेगा। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखनी है, ये DIYR आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन देंगी अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक यानी कि पुरानी हो गई है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं, आप इससे ठीक हो सकते हैं बिल्कुल 101%। अगर बहुत पुरानी हो गई है तब यार आपको ट्रीटमेंट की नीड है और उसके लिए ये नंबर दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यार मेरे पास जब पेशेंट आते हैं ना इन्फेक्शन के लेके या वेजाइनल इचिंग ईस्ट इन्फेक्शन को लेके, तो वो कहते हैं मैम 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब तो थाइस का इनर एरिया ऐसा हो गया कि ब्लैक हो गया, वहां से खाल चमड़ी अलग से उतर रही है। तो आपको इतना वेट नहीं करना है। 3-4 साल यार बहुत लंबा टाइम होता है एंटीफंगल ड्रग्स के लिए। ठीक नहीं हो रहा मतलब वो आपकी नीचे की लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो कंडीशन नहीं आने देनी है, और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है उससे। अच्छा, अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ना करनी ही करनी है, दैट इज नीम बाथ एंड सिल्स बाथ। ठीक है, ये दो चीज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन 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 अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत कुछ मिस कर दिया। आगे मिस ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट। यार कमेंट इसलिए मैं कहती हूँ ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप कैसा फील करते हो, आप हमारे साथ किस तरह का कनेक्शन फील करते हो। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, सिट्स बात है, नीम बात। अब आपको क्या करना है कि नीम के पत्ते लेने हैं और उसमें पानी डालना है लगभग 2 लीटर। जब वो 1 लीटर पानी रह जाए ना, अपने उस एरिया को दिन में 3 से 4 बार वॉश करना है। वॉश कैसे करना है कि कॉटन ले लिया या हैंकी ले लिया, उसको उसमें डाला, गीला किया, गुनगुना पानी हो और उससे उसको क्लीन करना है, वॉश करना है। ये क्या करेगा, स्प्रेड होने से बचाएगा। होता क्या है कि हमारे इस एरिया पे अगर इतनी सी इन्फेक्शन है, धीरे 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 फैलती रहती है, और हमें क्या होता है कि हम इचिंग करके ना दूसरी जगह टच करते रहते हैं, तो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सच बात, जब भी आप नहा रहे हो, अगर आपके पास टाइम है 10 से 15 मिनट, तो आप नमक डाल लीजिए टब में, पानी में, और उसमें आप लोग बैठिए उस पर्टिकुलर एरिया को उसमें सोक करके 10 से 15 मिनट भी अगर आप सिल्स बात करते हैं, उसमें नीम का पानी भी डाल सकते हैं, बहुत अमेजिंग वर्क करता है। तो जो मैंने ये रेमेडीज बताई ना आपको, आप अगर इनको भी प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट करोगे और आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हो ना, आप परमानेंट क्योर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम आप DIY बता दो तो हमें ट्रीटमेंट की क्या नीड है। फिर से क्लैरिफाई करूंगी, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी होगी, क्रॉनिक होगी, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हो तो आप जो है विद द हेल्प ऑफ दिस रेमेडी आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हो खुद को। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको चेंज करना है। वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल इचिंग, पैनिस के सराउंडिंग इचिंग है, कोई भी ऐसा ग्रोइन रीजन में इन्फेक्शन हो रहा है, आप उससे कंप्लीटली क्योर कर सकते हो, उसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हो। तो यार अब आप लोग बताना कि उपासना की दुनिया पे कोई ऐसी वीडियो हो जो आपको चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन, आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस फॉर द पिगमेंटेशन एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। I really feel very happy to share my views with all of you, that please come to the Upasana Ki Duniya. I think that this is the place where we can fulfill our dreams as I have. मैं यहाँ पर आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने यहाँ पर आके, मेरे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे जो अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी मेरे और कम हो जाएँ। I'm really thankful to ma'am. Thank you.